गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम इन गुरुपुष्प ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अभी नदर को स्कूल भेजने के बाद इमीजिएटली हम लोग भी निकल गए हैं। एक्चुअली हम जा रहे हैं आज डॉक्टर के पास। आपने अगर मेरे पिछले से पिछले मतलब सितंबर नहीं अगस्त में शायद उस मंथ में आपने ब्लॉग्स देखे होंगे, तब मैं गई थी अपने दांत का ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर के पास। तब पॉसिबल नहीं हो पाया था, उसके बाद फिर जाने का टाइम ही नहीं लगा और आज हम जा रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे टायर्स की हवा चेक करवाई जा रही है। मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। अभी जब एडिटिंग करूँगी तब देखूँगी। और जहाँ पे मैंने पहले दिखाया था दांत, वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं। वहाँ के मुझे रिव्यूज़ कुछ अच्छे नहीं मिले। उस दिन भी वो मुझे सिंपल सा ट्रीटमेंट था वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर काफ़ी 1 वीक के बाद की डेट डाल दी। और फिर एक दिन मैं पार्लर गई तो वहाँ पे भी उसी हॉस्पिटल के बारे में कोई बात कर रहा था कि वहाँ पे उन्होंने पूरा, अभी लेडी बोल रही थी कि पूरा 1 साल हो गया है मेरे दांत पे, उन्होंने रूट कैनाल करना था तो वो पूरा ट्रीटमेंट करना था उसका, तो पूरा वो होल किया हुआ है, लेकिन आगे उसका ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं, डेट दे देते हैं, और जब जाते हैं तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। मुझे भी उस दिन कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुई जाके। उस दिन उन्होंने प्रॉपर इतने अच्छे से चेक तो किया है, इवन कि जो मेरे बाकी के दांत जो नहीं भी चेक करने वाले थे वो भी चेक कर लिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया था आपको ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं, पर जो मेन ट्रीटमेंट था वो मुझे दिया नहीं। पेन मुझे कुछ था नहीं, इसलिए हमें भी इमिजिएटली जाने का कुछ लगा नहीं। बस ये था कि कुछ खाती थी तो अटक जाता था, तो फिर आज इन्होंने बोला कि जहाँ पे मैंने दांत दिखाए हैं हम उसी हॉस्पिटल में चलते हैं, एक बार पहले ये गए थे तो ये थोड़ा सा दूर पड़ता था। तो यार दांत निकाल देंगे तू निकालेंगे नहीं, उसकी फीलिंग करेंगे, फीलिंग करेंगे। 500 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, दांत निकाल चार निकाल सारे, दो तीन दो तीन एग्जैक्ट 9:30 हम लोग पहुंच गए थे वहां पे, लेकिन डॉक्टर आए 10:15 के अराउंड। और फिर पहले पेशेंट हम ही थे, उन्होंने हमें चेक किया, मुझे ही चेक किया फर्स्ट। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो मुझे लग रहा था कि फीलिंग मेरी निकली हुई है वो तो दांत मेरा सही है, दांत नहीं एक्चुअली जाड़ है वो, तो मैं यहाँ पे दांत ही बोलूँगी। तो वो फिर उसके साथ वाला जो है वहाँ पे लगा उनको कि वहाँ पे जो है कि वहाँ पे आपका खाना अटकता है उसमें होल लगा उनको, तो वहाँ की फीलिंग तो होनी थी। फिर मेरे एक दो नीचे वाले जो लास्ट वाले एंड वाले होती है ना दांत जाड़े होती हैं उनमें भी थोड़ा सा कैविटी थी, तो उन्होंने उसको भी रिमूव करके वहाँ पे भी थोड़ी सी फीलिंग की। तो ये मुझे ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, और फिर पुष्पिंदर ने भी चेक करवाया क्योंकि वो एक बार पहले भी यहाँ पे आए थे। एक्चुअली उन्होंने ब्रिज डलवाना था, तो उनका पहले भी उन्होंने बोला था कि आपको एक बार फिर से आना पड़ेगा और साइज़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जो ब्रिज है बन के आता है। तो फिर उसके बाद हमसे आया ही नहीं गया। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 6 to 7 months हो गए होंगे इस बात को, तो काफ़ी टाइम से होल्ड था ये। तो मैंने बोला चलो कि आज आप भी दिखा लेना और वहाँ पे अपना जो साइज़ है वो भी दे देना। फिर उन्होंने पहले इनके जो दांत है ना वो ब्रिज बिठाने के लिए पहले थोड़ी सी घिसाई करते हैं दांतों को लेवल बनाने के लिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर वो साइज़ लेते हैं। 3-4 बार उन्होंने लिया इनका साइज़, और उसके बाद फिर उन्होंने अभी हमें बोला है कि जिस दिन आपका बन के आ जाएगा वो तो उस दिन आपको बुलाएंगे, फिर उस दिन वो कैप्स है वो फिट कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इनको थोड़ा टीज कर रही थी, ये ऐसे मुंह खोल खोल के देख रहे थे, और भी पेशेंट आ रहे थे तो डॉक्टर जा रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग आगे नज़र को लेने के लिए, क्योंकि नज़र के स्कूल का टाइम भी हो चुका था। ये नज़र गया है ना? अच्छा बात से देखे बनाए बनाई देख ले तो भी।
उन्हें देख लिया, मैं क्या शायद हाय कैसे मैम तू ठीक रख के आई अपना डॉक्टर ने सारे ठीक करते डॉक्टर ने पापा ने भी कराया ठीक नजर तो ही करा लेने से ठीक लेज भी नहीं खाने लेज भी नहीं खाने तू भी नहीं खाने डॉक्टर कहते फिर उदे भी टीथ खराब हो जाने नदर दे मेरे टीथ आज इंजेक्शन लग गया हाँ हौली हौली नदर फिर दौड़ता ताही गिरदा ये चलो किन्नी आमली लगी देख ना किन्नी आमली लगी देखो देखो अंकल छोटे है साइज छोटे पर है ठीक है मतलब आप ठीक है जिदा तुझे ना हुन अचार बनाना है ना आ चटनी चटनी च पान ले ठीक है हेल्दी हुंदे ना हां और देखो आज हम जा रहे हैं पापा के साथ वॉक करने देखो देखो नजर पापा भी आए हैं ना हमारे साथ आज आगे देख साइज से हो गए दुरिया नदर तो बोल रहा है मम्मा को लेके नहीं आना है नहीं लेके आना क्यों क्यों सारे बर्तन अभी मैंने जस्ट हुए हैं अभी ये वाले आज हम बाहर चले गए थे तो बहुत ज़्यादा बर्तन थे ये मैंने यहाँ पे लगा भी दिए प्लेट्स भी थी काफ़ी बर्तन थे और अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं अभी देखिए ये धोने के लिए हो गए हैं और बर्तन अभी डिनर हमारा हो चुका है और अभी हम बस सोने की तैयारी में हैं नदर अपने पापा के साथ अभी मस्ती कर रहा है तो थोड़ा उसको लेट ही सुलाएंगे आज अभी आज उनका भी डे ऑफ था तो फिर वो थोड़ा सा प्ले करते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको जो मैंने शॉपिंग की है वो दिखा देती हूँ तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं जो मैंने फर्स्ट शॉपिंग की है वो ये है दो मैंने ये कटोरियाँ ली हैं येलो कलर की हैं बीच में से और ये इस पर बहुत ही अच्छी यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई है ये देखिए उनके पास ऐसी ब्लू कलर की भी थी सेंटर में ब्लू कलर था बाहर से सेम था तो मैं वैसे एक वो वाली देख रही थी लेकिन उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं थी थोड़ा सा मिट्टी के बर्तन में हो ही जाता है क्योंकि ये हैंडमेड होती है ना चीज़ें तो उनमें थोड़ी फिनिशिंग मुझे कम लगी तो फिर मैंने ये दोनों ही ले ली एक साथ पहले मैं 4 लेने वाली थी फिर मैंने सोचा नहीं 2 ही ठीक है फिर कोई और कलर की कुछ और वो बोले दिवाली पे और सामान आएगा फिर तब ले लेंगे और एक लिया है ये अगरबत्ती स्टैंड है इसमें होल्स लगे बने हुए हैं बीच में और ये ऐसे फूल की शेप में बना हुआ है इसमें एक ग्रीन कलर भी था पर मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा ग्रीन कलर बिल्कुल ऐसा था जैसे मैंने ड्रेस पहनी है और एक मैंने ये लिए हैं ये बुद्धा जी काफ़ी टाइम से मेरा मन था ऐसे पॉट्स भी आते हैं मैं वो भी लेने वाली हूँ अभी मुझे काफ़ी टाइम से मन था कि मैं इनको लेके आऊँ अपने घर पे तो फाइनली मैं छोटू से तो ले आई हूँ और एक चीज़ जो मैंने बड़ी वाली ली है
ये है कढ़ाही, ये मैंने फर्स्ट टाइम ली है, ये मेरी फर्स्ट परचेज है। ये इसकी लीड है, इसके ऊपर उन्होंने ऐसे नॉब लगा के दी है। काफ़ी हैवी है ये, ऐसे हल्की नहीं है, मिट्टी की है और काफ़ी हैवी है। और उन्होंने बोला है कि इसको आप, स्पेस भी काफ़ी है इसमें, उन्होंने बोला है कि इसमें आप पहले दही जमाना एक बार, तो फिर उसके बाद आप इसको यूज़ में लाना। लेकिन मैंने जो सुना है वो है कि इसको पहले एक नाइट हम ओवरनाइट सोक कर देंगे पानी में अच्छे से, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम इसको यूज़ में लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको ओवरनाइट सो करने के बाद दो बार इसमें दही जमा लूँगी, उसके बाद यूज़ में लाऊँगी। और एक टिप जो मुझे वहाँ पे दिया है शॉप पे उन्होंने, कि इसको जब आप यूज़ कर लोगे, या तो आप इसको गैस पे ही छोड़ देना क्योंकि गर्म हो गई है, इसको आपने इमिजिएटली शेल्फ पे नहीं रखना है, डायरेक्ट अगर रखना है तो नीचे कोई स्टैंड रखना है, क्योंकि वो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। जो आपकी किचन स्लैब होती है वो थोड़ी ठंडी होती है और ये गर्म होती है, तो इसकी वजह से क्रैक आ जाता है बीच में। तो इसके नीचे स्टैंड रख के आप रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको उसी पे छोड़ दीजिए, उस पे गैस पे, गैस के ऊपर स्टैंड लगा ही होता है, तो वो जब ठंडा हो जाए फिर आप नीचे रख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई, एक मिनट मुझे थोड़ा सा ना, जो मैंने कैमरा उसी के ऊपर फिक्स किया हुआ है, मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। स्टैंड मुझे मिल नहीं रहा था, पता नहीं नज़र ने कहाँ पे रख दिया, वो प्ले कर रहा था, तो मैंने फिर स्टैंड ऐसे लगा लिया इसके साथ। ये लिया है एक, इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं कलर भी कर लूँ। और इसमें एक दिया है, आप लाइट जैसे बाहर, मैं कई बार दिया जलाती हूँ ना बाहर की साइड बालकनी में, तो वहाँ पे हवा की वजह से दिया बुझ जाता है, तो मैं सोचती हूँ इसमें लगा के फिर ऐसे रख लिया करूँगी। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो मैं नाइट सूट पहना है इसका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने जुलाई ब्रांड का है, मिंत्रा से परचेज किया है। ये है, ऐसी इसकी लुक है प्रॉपर, और इसमें मैंने इसी कलर को देख के ऑर्डर किया था इसको। इसमें थोड़ा सा ब्राइट सी ग्रीन कलर है इसका, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डल लग रहा है लुक वाइज, पर कपड़ा बहुत ही अच्छा है जिसकी वजह से फिर मैंने इसको रख लिया है। अभी यहाँ पे गर्मियाँ फिर से हो गई हैं, पहले तो बीच में एसी बंद हो गए थे जैसे शराब शुरू हुए थे, लेकिन अब फिर से दोबारा बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। मुझे लग रहा है कि अभी इस पर सर्दी लेट ही आएगी, तो अभी इसमें मन तक तो मेरा ये डल ही जाएगा। गर्म कपड़े तो भी पहने नहीं जा रहे हैं, तो मैं सोचा चलो रख ही लेती हूँ, विंटर्स वाला फिर बाद में कपड़े निकालूंगी। तो ये वाला मुझे अच्छा भी लगा, ये नाइट सूट, और मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा है, जैसे लिबास ब्रांड के आते हैं ना कॉटन के कपड़े, काफ़ी लिबास ब्रांड काफ़ी अच्छा है, वैसे ही इसके हैं। और इसमें काफ़ी और भी स्टाइलिश लुक वाले भी हैं, और इसको आप ऐसे नाइट सूट नहीं, आप इसको डे में वेयर कर सकते हो, हल्का फुल्का अगर आपने बाहर जाना हो कहीं मार्केट में, तो आप इसको पहन के जा सकते हो, एज ए कोट सेट भी ये चल जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द ही मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेड पॉजिटिविटी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।